नमस्कार मित्रों, मैं धर्मलाल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आप लोगों से एक बार फिर इतिहास विषय की चर्चा को लेकर आज आपसे साइमन कमीशन से आगे हम नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। साइमन कमीशन में हमने देखा मित्रों कि जो उत्तरदायी शासन के लिए जो जांच आयोग आया था उसकी जो सिफारिशें हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और कहीं ना कहीं से नेहरू रिपोर्ट का जो संबंध है वो साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपने भाषण में भारतीयों को जो चुनौती दी थी उसी का परिणाम था नेहरू रिपोर्ट। क्योंकि उनकी चुनौती के अनुसार कोई भी दल भारत का, या फिर एक तरीके से पूर्ण रूप में कहें तो भारतीय, अपना संविधान खुद नहीं बना सकते, तो इसलिए हमारे बने बनाए संविधान को स्वीकार करें। जैसा कि साइमन कमीशन का जब भारतीय विरोध कर रहे थे तो उससे उपजी प्रतिक्रिया के स्वरूप लॉर्ड बर्किनहेड का ये स्टेटमेंट था कि आप एक ऐसा संविधान बना के दिखाएं कोई भी पार्टी, कोई भी भारतीय जो सर्वमान्य हो, सारे दलों को मान्य हो, ऐसा संविधान आप लोग बना के दिखाएं। तो इस प्रकार साइमन कमीशन के जो विरोध में जो प्रतिक्रिया चल रही थी उसके पक्ष में वो स्टेटमेंट आया था कि हम जो ब्रिटिश हैं वो संविधान बना रहे हैं आपके लिए, तो वो मान्य है, इसको स्वीकार कीजिए, अन्यथा आप एक सर्वमान्य सिद्ध जो संविधान है वो बनाइए। इसके प्रत्युत्तर में ही जवाब था नेहरू रिपोर्ट। अब हम देखते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसका इतिहास में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, क्या इसके प्रभाव रहेंगे, क्योंकि मित्रों इतिहास में समझ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम यहाँ देखते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट्स है वो अपने आप में इतनी प्रगतिशील है कि कहीं ना कहीं से जो साइमन कमीशन की सिफारिशें हैं और अब तक जो जितने भी ब्रिटिश सुधार किए गए हैं वो बहुत छोटे नज़र आने लगते हैं इसके सामने। ये जो रिपोर्ट्स है इसके फैक्ट्स जानना से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है, क्योंकि इसने भारत के भावी संविधान के लिए, हिंदू मुस्लिम संबंधों के लिए और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए इसके अंदर प्रावधान रखे गए। निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट को आगे जाके हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट माना गया, एक तरीके से संविधान का ब्लूप्रिंट था जो भारत का भावी संविधान बनने वाला था, उसका नेहरू रिपोर्ट एक ब्लूप्रिंट था। इसकी बहुत सारी विशेषताएं आज हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज भी ये प्रासंगिक है कि नेहरू रिपोर्ट्स पर चर्चा हो। तो इस तरीके का एक दस्तावेज आना अपने आप में बहुत मायने रखता था उस समय, तो इसलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेहरू रिपोर्ट पर। तो बर्किनहेड की जो चुनौती है मित्रों उसको स्वीकार किया, और कांग्रेस ने इस एवज में ये 19 नवंबर 1927 में दी गई चुनौती थी, इसके बाद फरवरी 28 में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है दिल्ली में, उसमें लगभग 29 पार्टी शामिल होती हैं, लेकिन वहाँ कोई एक राय हो नहीं पाती है बहुत सारे इश्यूज को लेके, क्योंकि वर्ग विशेष के जो लीडर्स हैं वो अपने कम्युनल ट्रायंगल से सोचने लगते हैं, तो अंत तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई और कोई सलाह मशवरा तैयार नहीं हुआ। तो मई 1928 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में एक फिर से बैठक होती है, उसमें वहाँ एक मसौदा तैयार के लिए कांग्रेस को नेतृत्व दिया जाता है। तो कांग्रेस अपना एक गठित करती है, एक पैनल गठित करती है जिसका मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू सचिव बनाए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, शोएब कुरैशी, जीआर प्रधान, ये इत्यादि लोग इसमें सदस्य थे, टोटल 8-9 लोगों का पैनल था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पैनल है ये भारतीय संविधान जो उस समय बनाना था उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना था, पूरा संविधान तो क्या लेकिन ड्राफ्टिंग करनी थी, मसौदा। तो इस कमेटी के थ्रू वो जो मसौदा तैयार किया गया
वो ही नेहरू रिपोर्ट कहलाता है। और इस मसौदा जब तैयार हो गया तो एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक में लखनऊ में इसको प्रस्तुत किया गया, तो वहाँ पर इस पर मतभेद बहुत सारे सामने आए। उन मतभेदों के परिणाम स्वरूप ही जिन्ना साहब इस रिपोर्ट से नाखुश नजर आए और उन्होंने इसके प्रत्युत्तर में मुसलमानों के लिए 14 सूत्री, जिन्ना के 14 सूत्र ब्रिटिश सरकार के सामने रखे। हालांकि इन सब पे चर्चा आगे जाके गोलमेज सम्मेलन में होनी थी, क्योंकि साइमन कमीशन के जो इश्यूज थे वो भी गोलमेज सम्मेलन में डिस्कस होने थे, और नेहरू रिपोर्ट के जो प्रस्ताव सुझाव थे वो भी गोलमेज सम्मेलन में डिस्कस हुए, और जिन्ना के 14 सूत्र भी डिस्कस हुए। तो मित्रों, हम देखते हैं कि इस तरीके से ये इसका मसौदा तैयार हुआ। तो यहाँ पर जैसे जिन्ना, ये जो प्रगतिशील रिपोर्ट थी, ये कहीं ना कहीं से हमको सबसे पहले इसके सुझावों को, इसी जो मुख्य बातें हैं उनको समझ लेना चाहिए। उससे हमें समझ में आएगा कि ये कितनी प्रगतिशील थी और इसका विरोध कहाँ तक उचित था और कहाँ तक नहीं था, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल थी। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, इसका जो पहला प्रस्ताव था तो ये था कि एक औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा भारत को दिया जाए, जैसा कि साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका, कनाडा, इनमें जो डोमिनियन स्टेट्स का जो दर्जा ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इन कंट्रीज को मिला हुआ है, उपनिवेशों को मिला हुआ है, इसी तरीके का एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को मिले। तो ये सारी प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। इन्होंने फिर जो गवर्नर को जो विशेष अधिकार दिए गए थे, गवर्नर को एक संवैधानिक प्रमुख मानते हुए उसे व्यवस्थापिका के प्रति या मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी करने के लिए प्रावधान बनाया। इन्होंने वयस्क मताधिकार पर चर्चा की, वयस्क मताधिकार को शामिल किया, और 21 वर्ष तक के स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार देने के लिए ये भी प्रावधान बनाया। आगे हम देखते हैं कि पहली बार इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रगतिशील किया, मूल अधिकार जो आज के संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड किया। लगभग 19 मूल अधिकारों की जो सूची है वो इंक्लूड की गई नेहरू रिपोर्ट्स के अंदर। सामाजिक आर्थिक समानता, विधि के समक्ष समता, ये सारे प्रोविजंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए। तो बहुत बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए एक फंडामेंट वो ब्लूप्रिंट था। आगे जाके जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र और प्रांतों के जो संबंध है, केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थापिका हैं उनके लिए प्रावधान बनाए गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका को जो जनप्रतिनिधि है, जो मंत्रिमंडल है, उसको केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। प्रांतों में जो प्रांतीय स्वायत्तता है, दो शासन समाप्त करना ही था, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान है। साथ में ही एक रेसिडुअल्स पावर्स थी, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र के पाले में डाली गई, केंद्र के पाले में डाली गई रेसिडुअल अवशिष्ट शक्तियां, एक तरीके से केंद्र प्रभावी रहेगा। और जो आज एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो छवि देखते हैं, उस धर्मनिरपेक्ष राज्य को इंक्लूड किया गया नेहरू रिपोर्ट्स में। इसी तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इसमें शामिल किया गया, जो आगे जाके हम देखते हैं कि भाषाई आधार पर 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग आएगा। तो इसी तरीके से संसदीय व्यवस्था और जो निम्न केंद्रीय विधानसभा का निम्न सदन है, प्रांतों में जो प्रांतीय विधानसभा है निम्न सदन, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको निर्वाचन के माध्यम से चुना जाना था, मतलब पूर्णतः निर्वाचित विधानसभा थी। ऐसे नहीं पहले की तरह कि मनोनीत था, सरकारी अधिकारी उसमें शामिल थे। तो इन सारी चीज़ों को खत्म किया गया। अब हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट्स के अंदर जो मेन फैक्टर्स हैं जो आज हमारे संविधान में शामिल हैं, तो उनमें देखते हैं संसदीय व्यवस्था है वो आज शामिल है, संघात्मक व्यवस्था है वो आज शामिल है, फंडामेंटल राइट्स है वो भी आज है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की छवि है वो भी है,
अल्पसंख्यक हितों के लिए जो आरक्षण प्रावधान बनाए गए हैं वो भी आज शामिल हैं। इसी तरीके से जो लैंगिक समानता का इश्यू है, स्त्री पुरुष मताधिकार, वो भी भारतीय संविधान का आज बुनियादी सिद्धांत है। तो विधि के समक्ष समानता है, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं हम कहीं ना कहीं आज के संविधान में देखते हैं। तो एक तरीके से भावी जो संविधान का ब्लूप्रिंट था और एक बहुत ही प्रगतिशील दस्तावेज था, एक परिपक्व और मर्मज्ञपूर्ण दस्तावेज। डॉक्टर ताराचंद ने, डॉक्टर जकारिया ने इसको बताया। आगे जाके जो जिन्ना साहब हैं उन्होंने तो इसको एक दास्ता का दस्तावेज बता दिया, क्योंकि इसने सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको अस्वीकार कर दिया था। जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे उनके बारे में नेहरू रिपोर्ट्स में पृथक निर्वाचन मंडल जो बनाए गए थे उनके बारे में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। तो डेफिनेटली अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई, तो आज भी हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उसका आधार हमारा बिल्कुल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट अपने आप में बहुत प्रगतिशील थी, और यही कहीं कारण था कि इस इतनी प्रगतिशील रिपोर्ट को अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जिन्ना ने अपने सांप्रदायिक रुख के कारण इस रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया और दस्ता का दस्तावेज कहा। ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। भारत के जो थोड़े से कट्टरवादी दल थे, हिंदू महासभा इत्यादि, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के अंदर ही जो जिसे यंग तुर्क्स कहा जाता है, युवा, तो उस टाइम नेहरू और सुभाष, इन लोगों ने इसके खिलाफ में, चूंकि खुद सचिव थे इसके, उसके बावजूद उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज की जो मांग है उसको बहुत सीमित माना। उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की बात उठाई तो वो भी अपने आप संतुष्ट नजर आए, और उन्होंने एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग सुभाष जी के साथ मिलकर 1928 में गठित की। तो डेब जो आगे जाके पूर्ण स्वाधीनता की मांग करेगी। इस तरीके से हम यहाँ से देखते हैं कि बहुत सारी जो राह हैं वो छटती हैं। 14 सूत्र जब सिद्धांत आएगा तो डेफिनेटली भारत विभाजन की जो रूपरेखा के जो तत्व हैं वो यहीं कहीं ना कहीं से 14 सूत्री सिद्धांतों में डाले जाएंगे, और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अपने कुटिल खेल में शामिल करेगी। तो यहाँ तो हम नेहरू रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो नेहरू रिपोर्ट्स तो वास्तव में प्रगतिशील थी और भारत का जो वर्तमान संविधान है उससे भी प्रासंगिक है। तो मित्रों, आज हमारी जो चर्चा थी वो नेहरू रिपोर्ट्स के कुछ सुझावों को लेकर थी। आगे की चर्चा में मैं आपके सामने फिर आऊँगा, और जिन्ना के 14 सूत्री जो सिद्धांत हैं और इनकी जो दोनों की समीक्षा है उसको लेके शामिल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।